नमस्कार जी, मैं हूं विशाल। आप देख रहे हो ट्रैवल विद विशाल। आज की जो वीडियो रहेगी वो हिंदी में रहेगी। काफ़ी मित्रों के कमेंट आ रहे थे, सर कुछ हिंदी में बनाना, जो भी वीडियो इस बार बनाना हमें पंजाबी में पूरी तरह समझ नहीं लगती। तो आज खास उनके लिए ये वीडियो है, ऑस्ट्रेलिया की वीडियो रहेगी। आज का जो मेन टॉपिक रहेगा वो रहेगा ऑस्ट्रेलिया का स्पॉन्सरशिप और होटल, किस पर वीज़ा लें। काफ़ी भाई बहन है जिनका ऑस्ट्रेलिया में कोई नहीं रहता, तो वो होटल पर अप्लाई करते हैं। तो उनके क्वेश्चन थे, सर हम होटल पर हमारे चांस है जहां हम किसी दूर के रिश्तेदार से स्पॉन्सर मंगा के वीज़ा अप्लाई करें, तो कैसे करें, हमको ये थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन दो। तो मैं आपको ये बताऊँगा, पहले हम सबसे पहले होटल की बात करते हैं। जो मेरे भाई बहन जिनका कोई भी रिलेटिव वगैरह किसी विदेश में, कहीं भी ऑस्ट्रेलिया छोड़कर कहीं भी किसी जगह पर नहीं रहता, तो वो होटल बुकिंग पर वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। होटल में वीज़ा अप्लाई करने के लिए आपके पास अच्छे फंड होने चाहिए, बिजनेस के प्रूफ होने चाहिए, तो आप होटल पर वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। अगर इक्का दुक्का कंट्री की आपके पास ट्रैवल हिस्ट्री है तो बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया बात है, तो उससे आपके वीज़ा जल्दी आने के, अच्छे तरह से आने के चांस हो जाते हैं। तो होटल पर भी वीज़े आते हैं। ये नहीं है भी आपके पास स्पॉन्सर है किसी दूर की या नज़दीकों की या किसी की भी है, होटल पर वीज़े आते हैं। होटल पर वीज़ा आने के लिए आपको मैंने जो आपका पेपर वर्क पूरा होना चाहिए। अगर आप कोई बिजनेसमैन हो तो आपके पास सेविंग अकाउंट और ITR ये मस्ट है, आप ये आपका प्रूफ है बिजनेस का भी आप काम करते हो। उसके अलावा आपके पास कोई MSME रजिस्ट्रेशन है, GST की करंट अकाउंट है, लेटर पैड है, कोई FD है, ये सारे प्रूफ आपने साथ में लगाने हैं। तो जो लोग जॉब प्रोफाइल है जिनकी, उनकी बात करते हैं, उनको सबसे पहले उनके लिए भी ITR मस्ट है और सेविंग अकाउंट मस्ट है। उसके बाद हम करते हैं जॉब लेटर के, जो जहां पर भी जॉब करते हैं उसके लिए वहां से आपको एक NOC लेनी पड़ेगी। वहां NOC में मेंशन करना पड़ेगा आप कौन से ईयर से यहां नौकरी कर रहे हो, ठीक है, तो आपकी जो सैलरी कितनी है, आपका डेजिग्नेशन क्या है, ठीक है, ये चीज़ें साथ में लगानी है, 3 सैलरी स्लिपें साथ में लगानी है। और अगर उनके पास सैलरी अकाउंट में नहीं आती, तो कुछ भाइयों के सवाल थे, सर हमारी जो सैलरी हमें कैश में मिलती है, उनकी सैलरी कोई 30+ थी पर मंथ के, तो बोलते हम इसके लिए क्या करें। उसके लिए आपको एक अपनी कंपनी से अलग से एक लेटर पैड पर मेंशन करना होगा भी आपकी सैलरी जितनी भी है, 30 है, 40 है, जितनी भी सैलरी हम कैश में दे रहे हैं, क्यों दे रहे हैं, इसका रीज़न क्या है, प्रॉपर आपको वो मेंशन करना पड़ेगा। तो ये है जॉब वाली प्रोफाइल, ठीक है। अगर ये आपके पास पेपर पूरे हैं तो आप होटल बुकिंग पर वीज़ा आराम से अप्लाई कर सकते हो, तो वीज़ा आराम से आने के चांस है। तो अब हम बात करेंगे स्पॉन्सरशिप वालों की। जिनके पास कोई दूर की कोई नज़दीकी स्पॉन्सरशिप है, उनके चांस थोड़े से 2-3% ज़्यादा होते हैं, प्रॉपर तो 100% मैं नहीं कहता, 2-3% होटल से ज़्यादा होते हैं। उसके लिए ये होता है कि जो भी आपका रिलेटिव है आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी वो उठा रहा है। देखो, जो स्पॉन्सरशिप आपको भेज रहा है, आपका जो भी रिश्तेदार लगता है, उसने अपनी फॉर्मेलिटी पूरी कर दी आपको स्पॉन्सर भेज के। अब आपने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करनी है, आपने बिजनेस के पेपर पूरे लगाने हैं जो मैंने आपको बताए हैं। मेरे पास एक कॉल आया, उन्होंने बताया, सर ऐसे ऐसे मेरी कोई बुआ का दूर का बेटा है जिसने मेरे को एक स्पॉन्सरशिप भेजी है, तो हम साथ में क्या क्या लाएं। जब मैंने उसको बिजनेस के बारे में, जॉब के बारे में सारा क्लियर बताया, ये पेपर आपने लगाने, तो उसने बोला, सर मेरे पास तो एक बैंक बैलेंस है, मेरे पास इसके अलावा कुछ नहीं है, क्या मेरा वीज़ा गारंटी है। ऐसे में आपका वीज़ा कोई गारंटी नहीं है, स्पॉन्सर चाहे कितनी भी बड़ी हो, कितनी भी मजबूत क्यों ना हो, ऐसे वीज़ा नहीं मिलता आपको। इंडिया में आपने टाइज, बिजनेस सारा, इकोनॉमिक टाइज, फैमिली टाइज, सारा कुछ दिखाना पड़ता है, उसके बिहाफ पर आपका जो वीज़ा ऑस्ट्रेलिया का अप्रूव होता है। ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा अगर आपके पास 2-3 कंट्री का ट्रैवल हिस्ट्री है, तो आपके पास स्पॉन्सर भी है, तो आपका वीज़ा थोड़ा और आसान हो जाएगा। लेकिन
आप स्पॉन्सर किसी से भी मंगवा सकते हो, अपने फ्रेंड से भी मंगवा सकते हो, लेकिन इंडिया में आपको दिखाने के लिए ITR, सेविंग अकाउंट, लेटर पैड, रजिस्ट्रेशन, GST, MSME, ग्राम उद्योग, F&B, कुछ भी ऐसे कुछ भी कुछ ना कुछ आपको रजिस्ट्रेशन, अपनी प्रॉपर्टी वैल्यूएशन जो आपके नाम पर हो। अगर आप एग्रीकल्चर हो तो आपको J1 फॉर्म दिखाने पड़ेंगे, उसकी जो फर्द है आपके नाम पर होनी चाहिए, उसको आपने ट्रांसलेट करवाना है। ट्रांसलेट करवाने के बाद आपने उसकी वैल्यूएशन डाल के साथ में PDF अटैच करनी है, ठीक है। तो इसकी बात करते हैं समय की, काफ़ी क्वेश्चन आ रहे हैं भी सर प्रोसेस टाइम क्या लग रहा है। इसका जो प्रोसेस टाइम लग रहा है अभी 55 डेज लग रहे हैं, जो हमारे मित्र का जो कल वीज़ा आया 55 डेज के बाद आया अप्रॉक्सीमेटली। अब हम उनको 2 महीने बोलते हैं भी, 2 महीने मनकर चलो भी, 2 महीने में जो वीज़ा आपका आएगा। तो अब बात करते हैं, एक और सवाल था सर होटल कैसे बुक करें। आप booking.com पर जाके अपना होटल बुकिंग कर सकते हो। होटल बुकिंग करने के लिए आपको उसमें जो ऑप्शन आती है, आपने फ्री कैंसिलेशन वाली बुकिंग है उसको चूज़ करना है। उसके लिए आपको अपना क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड एज अ गारंटी के तौर पर फिल करना पड़ेगा। जब आपने होटल बुक कर लिया तो आप, मैं सबको सजेस्ट यही करूँगा, 3 महीने बाद का आप ट्रैवल प्लान दिखाएं, क्योंकि 2 महीने बाद अप्रॉक्सीमेटली वीज़ा जो आ रहा है। तो फ्री ऑफ कॉस्ट आप फ्री कैंसिलेशन वाला होटल बुकिंग कर सकते हो। जो फ्री कैंसिलेशन वाला होटल है, जब भी आप होटल, जो भी आपकी डेट होगी उससे 5 दिन पहले आप फ्री कैंसिलेशन वाला बुक कर सकते हो, इसका आपको कोई भी चार्ज नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो ये थी एक ऑस्ट्रेलिया वीज़े की अपडेट जो मैंने हिंदी में बनाई है। काफ़ी क्वेश्चन थे इसके, मैंने आपके आपको रिप्लाई दिए। तो इंस्टाग्राम की ID जो स्क्रीन पर भी आ रही है और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी आ रही है, जो भी आपका क्वेश्चन हो तो आप मुझको इंस्टाग्राम पर जाके मैसेज कर सकते हो, आपको बकायदा रिप्लाई किया जाएगा। तो अगर आपको ये वीडियो हिंदी में अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करना और इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि आने वाले नए नोटिफिकेशन आपको मिल सके। इतना कहता हुआ आपसे इजाज़त लेता हूँ, आपका विशाल।